अंशुल मिश्रा, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। हम आपको रुक कराएंगे देश की सारी छोटी बड़ी खबरें। उससे पहले रुक करते हैं आज के ताजा खबरों की तरफ। बलरामपुर के थाना कोतवाली उतरौला में 25,000 का इनामी अपराधी मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार। अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए जहां प्रदेश सरकार प्रयासरत है, तो वहीं पुलिस भी सक्रिय नजर आ रही है। इसी क्रम में थाना कोतवाली उतरौला के त्रिलोकपुर गांव में कुछ दिन पूर्व करीब 5 चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था और नकदी समेत जेवरात चुरा ले गए थे। ऐसे में पुलिस ने इस पर जाँच शुरू की। 3 चोर कुछ दिन पूर्व पकड़ गए थे, किंतु एक चोर फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस ने 25,000 का इनाम भी रखा था। ऐसे में उतरौला के क्षेत्राधिकारी उजयराज सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक नम्रता श्रीवास्तव के निर्देशन में अभियान चलाया गया और कोतवाली उतरौला के उप निरीक्षक गौरव सिंह तोमर और उनकी टीम ने चोर को कोतवाली उतरौला और बक्सरिया गांव के पास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से पूर्व सड़क के किनारे खड़े चोर ने पुलिस को देखकर पुलिस पर फायर किया, जहां पुलिस ने अपने साहस और शौर्य का परिचय देते हुए पुलिस ने अभियुक्त ताराचंद उर्फ तारे को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से एक देसी तमंचा, 32 बोर और 2 जिंदा कारतूस और 2200 नकदी भी बरामद की। लाइव टीवी समाचार के लिए बलरामपुर से दामोदर शुक्ला की रिपोर्ट। रात्रि में उतरौला थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर गांव में चोरी की घटना हुई थी, जिसमें 4 घरों में चोरी हुई थी। उस घटना पे हम लोगों ने वर्कआउट किया था, जिसपे पूर्व में अभियुक्तगण पकड़े गए थे और एक वांछित अभियुक्त था तारा, उस तारे जिसको कल हमारी उतरौला टीम ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है और उसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी था, पुरस्कार घोषित इनामी अपराधी है। और गिरफ्तारी के उपरांत इससे तमंचा तथा चोरी की संपत्ति के 2200 रुपये बरामद किए गए। मुठभेड़ में कुछ घायल भी हुए? घायल ही। कुल कितने की चोरी हुई थी? कुल ज्वेलरी वगैरह गई थी, 11,000 रुपये नकद गए थे, इसके अलावा बर्तन वगैरह गए थे। अभी एक अभियुक्त और अभी वांछित है, जिसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, तब तक आप कहीं न जाएं, बने रहें हमारे चैनल के साथ।